ओपन लॉक्स में, और हमारी कॉलेज की ओर से बीएससी फॉरेस्ट्री वाले जो भाई लोग हैं वो जा रहे हैं एजुकेशनल टूर पे, और इनका टूर जो है जबलपुर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले दिल्ली आएंगे, दिल्ली के बाद देहरादून, फिर शिमला। तो आगे का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आगे का व्लॉग हमारे धीरज भाई और जो भी भाई लोग जा रहे हैं वो शूट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे व्लॉग के साथ, और व्लॉग में कमेंट और लाइक करने की कोई कमी ना करें। चलिए व्लॉग्स में आपका सबका स्वागत है। हम जा रहे हैं एजुकेशनल टूर पर, जो कि एक सस्पेंस मिस्ट्री रहेगी। जैसे जैसे अपडेट होते जाएगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे देखने के लिए तैयार हैं। दुख, कष्ट, पीड़ा सब सुन लिया। इनके कंबल जो थे वो हमारे अन्ना जी ने फोड़ लिए थे, फसला सोए हुए कंबल। हमारे बीच अब संदीप जी पधारेंगे, जो कि हमारे लिए खाने की व्यवस्था करके आए हैं। और कोहरे के कारण बड़ी ट्रेन धीरे चलती है, तो कुछ आ चुके हैं मुरैना, जहाँ पर हमारे संदीप जी हमारे साथ जुड़ते हुए, और संदीप जी के पापा जो हमारे लिए खाने का लेके आए हैं इस सफर के दौरान। ठीक है, ये हमारे कुछ साथी लोग, ये चलो हमारे खाने का साधन हो गया है, तो चलते हैं हम अब यहाँ से हमारे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के कितने बज रहे? 3:30 सुबह के, 3:30 बज रहे, और हम आ गए अब हम जाएंगे देहरादून के लिए। हमें ट्रेन दूसरी देखनी पड़ेगी, हमारा रिजर्वेशन था वो वाली ट्रेन हो गई कैंसिल। तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है श्रीधाम, इससे कभी भी दिल्ली ना आए, देख ले ध्यान से देख ले। बाद हम निकले थे न्यू दिल्ली, डेली इट्स नॉट दिल्ली, डेली नाम लेने में इतना घबरा रहे, चले हम हमारे साथियों से और उनसे थोड़ा पूछते हैं। कैसा रहा टेस्ट दिल्ली का? से पकड़ी थी कौन सी ट्रेन है भाई, आप थोड़ा बताएं बल्लू। शताब्दी एक्सप्रेस जो हमने न्यू दिल्ली से ली थी, और अब हम 1 बजे के समथिंग देहरादून पहुंचने वाले हैं। आप इस शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी ट्रेन ज्यादा चलती है? मतलब इससे ज्यादा तो पैसेंजर ट्रेन से आते तो हम जल्दी आ सकते थे, क्योंकि ये 250 किलोमीटर तय करने में लगभग 6 घंटे ले रही है। ठीक है, अभी खाने वाने का क्या किया आपने? बहुत अच्छी है, खाना आने में तो हमारी पूरी और मिक्स वेज चली रही है संदीप जी के द्वारा लाई गई। और यहाँ की वो जो सर्विस है, स्टाफ सर्विस, वो कैसे लगी आपको? हमने रेडी टू ईट वो मैगी वगैरह खाई थी जो गर्म पानी में उबाल के तैयार हो जाती है, चाय वगैरह। टेस्ट अच्छा था? नहीं, टेस्ट वगैरह अच्छा था। चलो अब ये कहाँ पर अभी खड़ी है? अच्छी रेटिंग करेंगे, बाकी बहुत धीरे चल। चलो ये आधे घंटे के लिए हमारी ट्रेन खड़ी थी सहारनपुर में, अब हम थोड़ा अंदर वाले जो यात्रीगण है उनका थोड़ा सम्मान कर लेते हैं और बातचीत करते। सोने की व्यवस्था नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। जी हम आ गए हैं हरिद्वार स्टेशन, ये हमारी एक देख रहे हैं इस लग्जरी स्टेशन को, ये हमारा हरिद्वार स्टेशन है। हम 12 बजे दिन के हरिद्वार पहुँच चुके हैं, जैसा कि हम सीधा एक्सप्रेस से परेशान हो चुके थे, तो इंद्र शताब्दी से जा रहे हैं देहरादून। ट्रेवल करने आए थे, इच्छा क्या थी आप लोगों? तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी जैन धर्मशाला देहरादून से ऋषिकेश की ओर, और अब हम प्रस्थान करने वाले लक्ष्मण झूला। पहले हम देखेंगे लक्ष्मण झूला, उसके बाद आ जाएंगे राम झूले पे, राम झूले के बाद त्रिवेणी घाट जाके आराम से गंगा आरती का आनंद लेंगे। चलो तो चलते हैं।
हम राम झूला देखने से पहले हमारे गाइड दिखा रहे हैं हिमालय की चोटी पे ओम लिखा है, ओम की आकृति जो कि उन्होंने जूम करके दिखाई है, कोशिश करते सर खा गया पीछे। ये हम आते हुए छोटी छोटी सकड़ी सकड़ी सी गलियां। शीतल तू कुछ लेना चाह रही थी? नहीं। बता बता। मैं पर्स लेना चाहती हूँ पर बाद में लूंगी, वहाँ अच्छा लगा। ठीक है ओके। चाइना के अंदर ऐसा है जैसे उसको बना रहे हैं, उसका नाम लक्ष्मण झूला, आगे राम झूला सर, उसके आगे जानकी झूला, और ये जो बन रहा है उसका नाम है हनुमान झूला। जैसे वो फेमस था वैसे ही फेमस होगा भारत जानकी झूला बन गया, ग्लास का बन रहा है यहाँ से गंगा माँ। हम आए लक्ष्मण झूला देख के, अब ये सब चौपाटी पे लगे चाट खाने के लिए। ये बल्लू जी है, बल्लू जी ने क्या खाया? बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। यूके का अलग ही मतलब ब्रांड है ये, देखो ये डोरेमोन ये भाई साहब। हमने अभी खाना है हमको ये पानी पूरी। ये आलिशा टेस्ट रेटिंग, टेस्ट कैसा है? टेस्ट आया ही नहीं अभी। जी आपका सफर कैसा रहा बस का? थोड़ा सफर बस का सफर तो उतना अच्छा नहीं था, बस का सूट नहीं करता, पर यहाँ हम ऋषिकेश आए हैं। अभी तक हमको ऐसा पॉइंट नहीं मिला है जैसा कि सेल्फी पॉइंट टाइप में। भाई ने भी बस में टेंशन ली थी, उसके बाद भाई की हालत में सुधार है, लेकिन मैं जो है एक ऐसा न्यू पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जिसमें अपन फोटो ले सकते हैं, और हम उसकी तलाश में निकलेंगे। ठीक है, हम गंगा आरती में भी जाएंगे। हमारे कुछ लोग रेप्टे से जा रहे हैं, बाकी के सीढ़ी से जाते हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? चलना भी भाई इतना आसान नहीं है, सीढ़ी रेप्टा हो गया यहाँ, बहुत थक चुके हैं हम। अब 3 दिन के ट्रेवल के बाद आज सीढ़ी रेप्टा करते करते बहुत ज्यादा ठंड भी है यहाँ पर। जो वो वर्ड है सीढ़ी रेप्टा, ये हमारे अंशु जी बघेल विधि सा वालों ने इन्वेंट किया था, और बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। जा रहे अब अपन चल रहे हैं राम झूला, वहाँ पे अपन को गंगा आरती थी जो 6 बजे स्टार्ट होनी थी, वो 5:50 अभी हो चुके हैं, इसलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। क्या होता है, सब अच्छा होगा और मिलते हैं आगे। दकल लिफ्ट के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे कि ऋषिकेश से आए थे, राइट नाइट स्टे था हमारा। यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, टिकट हो जाए उसके बाद हम FRI विजिट करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। उस दिन वो सर हमारा कॉल नहीं उठा रहे, जो कि आधा घंटा हो चुका है, सर इधर उधर भाग रहे हैं, हम भी इधर उधर भाग रहे हैं। हमारे बच्चे गाड़ी से नीचे उतरते हुए, जो कि बस एक तरफ झुक गई है। हमारे भगवान ऐसे ऐसे मतलब पर्सन है कि जिनका शब्दों से उल्लेख, तो हम आ चुके हैं FRI देहरादून वाली मेन कैंपस, वो बिल्डिंग हम देखते हैं हर फिल्मी इंडस्ट्री में जिनका शूट आउट यहीं पर होता है। तो हमारे साथ एक यहाँ के जो विद्यार्थी रह चुके हैं वो जुड़ चुके हैं, यशपाल सर, और उनके साथ हम आगे जाएंगे, और कुछ म्यूजियम्स हैं यहाँ पर, उनकी विजिट होगी, उसके बाद दूसरी ओर प्रस्थान करेंगे। हम आ गए फॉरेस्ट म्यूजियम में, अब टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिखाएंगे कहाँ कितना होता है। बल्लू भाई ये सफेद में जाएंगे, काला आदमी सफेद में जाएगा, ये देखो काला आदमी सफेद में घुस गया, एस्ट्रोनॉट बन गए, इनसे एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग पूछ लेंगे तो नहीं आएगी थोड़ी देर बाद। डलाई हिल्स पे आए तो हमें किसी ने बताया कि लवासना लाल बहादुर शास्त्री, जिसके लिए बहुत पागल है आज के यूथ,
तो थोड़ा सा मैं उसका नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर तो नहीं जा सकते, बाकी का आप देख सकते हैं कितना तगड़ा माहौल है, लवाशना का है पूरा ट्रेनिंग। से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये तो पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, सीधा दिल्ली डेली 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 गुरु, इट्स डेली नॉट दिल्ली। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं हमारे IRI के लिए, कुछ टैक्सेस करी है तो उनके थ्रू जाएंगे। तो चलो अब मिलते हैं IRI में। अपन ये कब देखेंगे अपन चंचन भाई? अभी हम देखेंगे कल 26 जनवरी पर। हाँ बंदे लोग, संदीप जी दौड़ते हुए क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई नहीं आएगी हॉलीडे के दिन, तो कोई नहीं आना इधर, गलती से भी बाबा गलती। तो हम आ चुके हैं अक्षरधाम टेम्पल से घूम के, तो वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिली थी। अब हम वापस हमारे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं। मेट्रो स्टेशन पे हम देख घूम रहे हैं 17 मिनट और 10 बजे आखिरी एंट्री होती है, और अभी तक मेट्रो नहीं है। मेट्रो भी आधा घंटा खा जाएगी जाते जाते। अरे वो भी रुके हैं, अभी उनको भी खाना खाना है भाई। यशपाल सर बार बार परेशान कर रहे हैं हमारे डिसेबिलिटी जी को, मेरे को ही कर रहे हैं बस। सर कैसा रहा सर आपकी जर्नी? कृपया ध्यान दें, अभी अभी सूचनाओं के आधार पता चल रहा है कि भारतीय रेल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, लेट लतीफी का। विश्व का पहला रिकॉर्ड है भारतीय रेल इतना लेट चल सकती है। ये हमारा प्रथम स्थान पाने के लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रेन में सर श्रीधाम, श्रीधाम तो बहुत ही लेट चल रही है, कोई आया ही नहीं जिंदगी में, और खास करके जबलपुर से दिल्ली के बीच में तो सफर ही नहीं करना है। हेलो बेटर जानती आधी ट्रिप हमने इसमें निकाल चुके हैं, 5 दिन दो दिन और 3 रात बिताई है हमने इस ट्रेन के साथ। ये पूरी जिंदगी भर मुझे ट्रेन का सफर याद रहेगा, और इस ट्रेन में ऐसा हुआ है